नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, एक घटना जो बीते दिनों 13 अगस्त को मुंबई के उपनगर साइन से सामने आई है, काफी चौंका देने वाली और काफी दिल को दहला देने वाली ये घटना है। दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स उसको एक दूसरा शख्स रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसके साथ मारपीट करता है और उस मारपीट की वजह से वह शख्स नीचे गिर जाता है और अचानक से ट्रेन आ जाती है और ट्रेन की चपेट में आता है। ट्रेन की चपेट में आने के बाद में इस शख्स की हालत काफी गंभीर हो जाती है, उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है और अस्पताल जाने के बाद उसकी वहां मौत हो जाती है। तो दरअसल ये मामला कुछ ऐसा है कि साइन रेलवे स्टेशन पर 13 तारीख को यह घटना घटी, जहां वीडियो में दिख रहा है युवक एक महिला से गलतीवश या जानबूझकर, वो नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से वो टकरा गया, तो इस पर वो महिला भड़क गई और महिला ने अपने पास छाता उठाकर उसको मारना शुरू किया। महिला ने मारा, साथ ही साथ वहां उस महिला के पति मौजूद थे, तो महिला के पति ने इस युवक को बड़े ही जोर से एक लाफा ऐसा मारा कि ये नीचे जा गिरा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच। ये पटरी के बीच जा गिरा तो इंसान खुद को वापस प्लेटफॉर्म पर आने की इसने कोशिश की और तभी सामने से ट्रेन आ गई और ये ट्रेन की चपेट में आ गया। अब इस घटना से हमको क्या सबक मिलता है, यह सोचने वाली बात है। यह घटना उस शख्स की गलती थी या नहीं थी, यह तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन जिन्होंने इस तरह से उस शख्स के साथ मारपीट की और उस वजह से उसकी जान गई, उससे उनको क्या मिला, इसकी अगर बात करें तो एक समय के लिए इंसान को गुस्सा करना कुछ हद तक भले ही सही हो सकता है, लेकिन गुस्से के परिणाम काफी भयंकर आते हैं। महिला को जब इस युवक से टक्कर लगी और महिला ने उसे मारा पीटा, तब तक ठीक था, लेकिन उस पुरुष ने, महिला के पति ने इतनी जोर से मारा, हम समझ सकते हैं कि वो जानबूझकर इन्होंने ये नहीं किया, आवेश में आकर नहीं किया, लेकिन एक पल का गुस्सा था, उसमें एक इंसान की जान चली गई। और इनका इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा, इनको मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया और आगे की कार्यवाही जारी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बार हम भी रस्तों पर चलते हैं, इस तरह के मामले होते हैं, तो हमें भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए, यही सबक हमें आज के इस वीडियो से लेना चाहिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। ये खबर कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए अगली खबर तक। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।